नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज है 23 दिसंबर 2018। मॉर्निंग में पीजीटी का एग्जाम हुआ है और उसके बाद सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ है वो हुआ है टीजीटी का। तो हम आपके लिए लेके आए हैं टीजीटी की आंसर की। तो दोस्तों जितने भी हम सोल्व कर पाए हैं अभी तक क्वेश्चन, तो उनके आंसर की एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं। बाकी बड़ा ही जल्द बाकी के जो भी क्वेश्चन हैं उनकी आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, जैसे ही हम आगे की आंसर की अपलोड करें आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं भाग एक जर्नल हिंदी, हिंदी की करते हैं। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, इस लोकोक्ति के सटीक अर्थ में दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका उत्तर है एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना। एक तो नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है। तो दोस्तों इसका आंसर है पहला अक्षर। क्वेश्चन नंबर 13, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है इसमें, बिल्कुल ये है तत्पुरुष समास है। प्रश्न नंबर 4, जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं वस्तुवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 5, वाक्य रस्तामक काव्यम अर्थात रस्तामक वाक्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किस आचार्य का है। तो दोस्तों इसका आंसर है एक विश्वनाथ का। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाकाव्य। महाकाव्य माना जाता है। निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है, तो यह माना जाता है महाकाव्य। प्रश्न नंबर 17, तपोवन शब्द में कौन सी संधि है। तो तपोवन शब्द में है स्वर संधि। प्रश्न नंबर 18, खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों खड़ी बोली आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तो कौन सा असंगत है इसमें से, तो इसमें से नॉन तेल, ये है असंगत। पीना खाना आचार विचार अंजलि, ये बिल्कुल संगत है, नॉन तेल है असंगत। प्रश्न नंबर है 20, उस मूल ध्वनि को जिसके खंड न हो सके उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं वर्ण जिसके खंड ना हो सके। तो दोस्तों ये हिंदी के क्वेश्चन थे जिनके हम आंसर की आपके लिए लेके आए हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही थी आंसर की, बाकी बड़े ही जल्द सारे आंसर की आपको मिल जाएंगी अलग अलग वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।